हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ पौधे शेयर करने वाली हूं जो कि दिखने में बिल्कुल फाउंटेन की तरह लगे या फिर फूलों की तरह लगे, यानी उसमें फूल नहीं होंगे लेकिन पौधा दिखने में एकदम से लगेगा जैसे कि कोई फूल खिला हुआ हो या फिर उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा आपको कि जैसे कोई फाउंटेन हो। तो ऐसे पौधे लगा के हम अपने गार्डन को काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं, स्पेशली ऐसी जगह पे जहाँ धूप नहीं आती है और हम फूलों वाले पौधे को लगा नहीं सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में इन पौधों को लगा के आप फूलों वाली फीलिंग ले सकते हैं, गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। फाउंटेन जैसे दिखने वाले या फिर फूलों जैसे दिखने वाले कुछ पौधे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा आता है वो है फ्रेंड्स ड्रेसिना। ड्रेसिना की ये वाली वेराइटी, ये साइड ड्रेसिना मार्जेंटिना ऐसे कुछ इसका नाम है, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मैं स्क्रीन में इसका नाम मेंशन कर दूंगी। तो ड्रेसिना की ये वाली वेराइटी आप देख सकते हैं, ये इसमें ग्रीन वेराइटी भी आती है, दिखने में एकदम जैसे लगेगा कि कोई फाउंटेन की तरह है। चारों तरफ इसकी पत्तियां एक सार जैसे बराबर में चारों तरफ इसकी पत्तियां फैली हुई होती है और दिखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। कलर वाइज भी ये पौधा काफ़ी खूबसूरत लगता है और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी यूनिक सा होता है। तो इस प्लांट को फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं, बहुत ही क्लासी लुक देता है गार्डन में। तो ये एक फाउंटेन की तरह दिखने वाला पौधा जो कि सेमी लाइट में बहुत अच्छी तरीके से चल जाता है, तो इसे जरूर अपने गार्डन में ऐड करिए। नेक्स्ट पौधा यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, मैंने लगा रखा है ये स्पाइडर लिली। स्पाइडर लिली की पत्तियाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से होती है और चारों तरफ बिखरी हुई सी होती है, जो कि दिखने में एकदम से लगेगा जैसे कोई फाउंटेन है। तो ये पौधा भी आप लगा सकते हैं जो कि फाउंटेन जैसा लुक देता है। ये फूलों वाला पौधा है तो इसे आपको थोड़ी धूप में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट पौधा फ्रेंड्स आप रियो का लगा सकते हैं। रियो के पौधे भी देखने में बिल्कुल फूल की तरह लगता है, जैसे बड़ा सा कोई फूल या फिर छोटा सा कोई फाउंटेन ऐसा लुक इसमें आता है। तो आप रियो के पौधे को भी लगा सकते हैं जिसे हम नॉर्मली बोट लिली के नाम से भी जानते हैं। इसमें और भी वेराइटी है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे यह है ड्राई कलर, इसे भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे फूल की तरह दिखता है। या फिर यूं कह लें कि एक पौधा अगर आप लगाते हैं तो उसके जो बनावट है वो एकदम फाउंटेन की तरह होती है। अगला पौधा फ्रेंड्स आप पांडानस का लगा सकते हैं। इसकी भी पत्तियां चारों तरफ कुछ ऐसी बिखरी हुई होती है जैसे लगता है कि कोई फाउंटेन हो, तो इसे भी आप लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्नेक प्लांट की ये जो छोटी वाली वेराइटी, ड्वार्फ वाली वेराइटी होती है, इसे आप लगा सकते हैं, एकदम फूल की तरह दिखता है जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम लगेगा जैसे कोई फूल खिला हुआ हो, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। इसमें एक वेरीगेटेड वाला जो आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, छोटे से पॉट में लगाने से लगेगा जैसे कि कोई फूल खिला हुआ हो, तो ये भी आप लगा सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर लुक इसका आता है। नेक्स्ट पौधा फ्रेंड्स स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट की भी बनावट या फिर यूं कह ले कि ये भी इस तरीके से खिलता है जैसे लगेगा कि चारों तरफ से फाउंटेन की तरह ये पौधा भी बिखरा हुआ सा लगता है, चारों तरफ लगेगा जैसे कोई फाउंटेन हो, इस तरीके से इसकी ग्रोथ होती है जिससे कि इसका लुक एकदम से फाउंटेन की तरह ही आता है। नेक्स्ट पौधा है फ्रेंड्स ये पॉनीटेल पाम। पॉनीटेल पाम को भी फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं। ये पौधा तो बिल्कुल ही फाउंटेन का ही लुक देता है, एक बड़ा सा थम जैसा एक स्टैम होता है और इसमें देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पत्तियां निकलती है जैसे कि फाउंटेन में पानी चारों तरफ बिखेरता है। तो इसको वैसे एलिफेंट फुट भी कहा जाता है, तो इस पौधे को भी आप लगा सकते हैं बिल्कुल फाउंटेन वाला लुक लेने के लिए। अगला पौधा फ्रेंड्स रेन लिली का। रेन लिली भी फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से ग्रो होता है जैसे कि लगे कि फाउंटेन लगा हुआ हो, फाउंटेन की तरह इसकी ग्रोथ होती है और ढेर सारी पत्तियां चारों तरफ बिखरी हुई सी इस तरीके से इसकी ग्रोथ आपको नजर आएगी, तो इस पौधे को भी लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये हवर्थिया का पौधा आप लगा सकते हैं। ये एक सकुलेंट प्लांट है, तो ये भी एकदम फूल की तरह या फाउंटेन की तरह ही दिखता है। तो ये इस पौधे को आप लगा सकते हैं, ये गर्मी को भी झेल जाता है और विंटर को भी झेल जाता है, बहुत ही हार्डी सकुलेंट है, तो इसे आप लगा सकते हैं जो कि दिखने में फाउंटेन या फूलों की तरह लगता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप मोंडोग्रास लगा सकते हैं। ये कई तरह के आते हैं, ब्लैक कलर में, ग्रीन कलर में, छोटी हाइट में, बड़े हाइट में ऐसे कुछ आते हैं, लंबी लंबी पत्तियाँ भी होती है, एक ड्वार्फ भी आता है, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। इसके आप हैज की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, बास्केट में भी लगा सकते हैं। तो मोंडोग्रास भी ग्रोथ, मोंडोग्रास को भी दिखने में कुछ ऐसा ही लुक आता है कि जैसे कोई फाउंटेन चल रहा हो यानी फवारे चल रहे हो। इसके बाद फ्रेंड्स आप लगा सकते हैं
सुदर्शन का पौधा, ये भी एकदम फाउंटेन की तरह दिखता है। इसकी भी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से बनी, बनावट इसकी इस तरीके से रहती है जैसे लगे कि कोई फव्वारा चल रहा हो। नेक्स्ट आप पाइन के पौधे लगा सकते हैं। पाइन में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं और हर एक ब्रांच को देख के आपको लगेगा जैसे कि कोई छोटे छोटे फूल ढेर सारे खिले हुए हों। इसके बाद फ्रेंड्स आप अम्ब्रेला प्लांट लगा सकते हैं। इसकी साइंटिफिक नेम मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। तो ये वाला पौधा भी लगा सकते हैं, जो कि इस पौधे को भी लगा सकते हैं जो कि दिखने में काफ़ी हद तक अम्ब्रेला की तरह ही लगता है। इसको पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसीलिए आप इसे वाटर प्लांट भी कह सकते हैं। तो आप इसे लगा सकते हैं जो कि थोड़ी कम धूप में भी चल जाता है। तो इस तरीके से ये काफ़ी सारे पौधे जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। अगर फूलों के पौधे आप नहीं लगा सकते हैं तो इन सभी पौधों को आप लगा के अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं, जो कि गार्डन में फाउंटेन वाला लुक या फिर यूं कह ले कि पत्तियों में ही आपको फूलों वाला फीलिंग देने वाला ये पौधा, आप इससे आप गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आप इन सभी पौधों को लगा के फ्रेंड्स आप खूबसूरत गार्डन बना सकते हैं, खूबसूरत पत्तियों से भी आप खूबसूरत गार्डन क्रिएट कर सकते हैं। तो इन पौधों को ज़रूर लगाएं और वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल में आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए विद बेल बटन, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, bye.